हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुंजन शर्मा बायोलॉजी फाउंडेशन में। आज का जो वीडियो है वो 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स से रिलेटेड है। ये वीडियो इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, इट मीन ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और रूट स्टेम लीफ मॉडिफिकेशंस के साथ में हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेने के लिए इसके फुल सेशन के साथ में जुड़े रहें। इसमें आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन एक्सप्लेन की जा रही है जिससे कि स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जो की है बेनिफिट्स मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर की जो मेन हेडिंग है उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो मॉर्फोलॉजी वर्ड है, मॉर्फोलॉजी जो वर्ड होता है वो एक तरीके से अपने आप में ही एक डेफिनेशन होती है। मॉर्फोलॉजी मीन्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल करेक्टर यानी बाहरी जो भी लक्षण हैं उनकी स्टडी करते हैं तो वो ब्रांच कहलाती है मॉर्फोलॉजी, और हिंदी में इसको कहते हैं आकारिकी। और हमें जो ये मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है वो फ्लावरिंग प्लांट्स की करनी है, मीन एंजियोस्पर्म प्लांट्स की करनी है। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। ये जितने भी आपको रेंज दिख रही है प्लांट्स की, अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं, वो हमें फैसिनेट करते हैं, आश्चर्य हमें देते हैं। हमें उन फ्लावर्स को, उन प्लांट्स को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, दे आर ऑल कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रूट स्टेम लीफ एंड फ्लावर एंड फ्रूट्स। अगर हम बाहरी तौर पर देखें तो जो जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हुए भी उनके अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है, और उनके अंदर रूट भी होती है तो उनके अंदर स्टेम भी होते हैं तो उनके अंदर लीफ फ्लावर और फ्रूट्स भी, सभी जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इन चैप्टर 2nd and 3rd वी टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक। प्रीवियस वीडियोस में हमने 2nd चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और 3rd चैप्टर जो है प्लांट किंगडम उसको थोरोली डिटेल स्टडी किया है जिसमें हमने देखा कि जो प्लांट्स हैं उनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, अलग अलग करेक्टर्स के बेस पे डिवाइड किया। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एट एन अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट और फॉर दैट मैटर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म। किसी भी प्लांट या किसी भी एनिमल को क्लासिफाई करने से पहले सबसे पहले जो हमें नॉलेज होना चाहिए वो उसके स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स का होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड डेफिनेशन का होना चाहिए, ताकि उन डेफिनेशंस और उन टर्म्स के बेसिस पे हम पर्टिकुलर उस प्लांट और उस एनिमल को करेक्टराइज कर पाएँ। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स। हमें उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की वेरिएशंस यानी विभिन्नताओं के बारे में पता होना चाहिए, और वो विभिन्नताएं आपको मिलेंगी कहाँ पे, जैसे कि फाउंड एज अडाप्टेशंस ऑफ द प्लांट। अडाप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। अडाप्टेशन इज अ एट्रीब्यूट, ये एक गुण है प्लांट का, एट्रीब्यूट ऑफ प्लांट विच इज़ प्रेजेंट इन बिहेवियर स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल कंसर्न, जो कि उस प्लांट के फिजिक के अंदर हो सकता है, बिहेवियर के अंदर हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कोई जीरोफाइटिक प्लांट है जो कि मरुद्विज मतलब डेजर्ट में डेवलप होता है, उसमें पानी के जो भी एक्सपिरेशन होता है पानी का, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो पानी का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, उसको कम से कम करने के लिए जो उसकी लीव हैं वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो ये एक तरीके का अडाप्टेशन है। तो आपको जितने वेरिएशंस मिलेंगी वो उसके अडाप्टेशंस में मिलेगी। अडाप्टेशंस टू वेरियस हैबिटेट्स फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, और ये जो अडाप्टेशन होगा वो या तो उसके प्रोटेक्शन के लिए होगा, जैसे कि किसी पौधे में कांटे बन जाएं, या फिर क्लाइंबिंग यानी वो पौधा किसी दूसरे पौधे की हेल्प लेके ऊपर क्लाइंब करे, या फिर वो किसी फूड पार्टिकल का स्टोर करे, तो ये सब अडाप्टेशंस कहलाते हैं। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड, अगर आप किसी भी अनवांटेड प्लांट को यानी वीड को पुल आउट करें, बाहर निकालें, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर रूट्स पाई जाती हैं, स्टेम पाए जाते हैं, लीव्स पाई जाती हैं, दे मे बी बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट, उनके अंदर फ्लावर और फ्रूट हो सकते हैं। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज रूट सिस्टम, जो कि जमीन के अंदर दसा रहता है वो रूट सिस्टम होता है। एंड वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम, और जो कि ऊपर की तरफ होता है वो शूट सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपका स्टेम और लीव्स आती हैं प्लांट की। तो इस तरीके से पौधे के अंदर दो पार्ट्स हो गए, सपोज दैट दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द सबस्ट्रेटम सॉइल, एंड जो ये सॉइल के नीचे का पार्ट है उसको हम कहेंगे रूट सिस्टम,
और इसके ऊपर का जो ये पूरा पार्ट आपको दिख रहा है ये कहलाएगा शूट सिस्टम। तो मतलब एक जो प्लांट है उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो सबस्ट्रेटम के नीचे और एक सबस्ट्रेटम के ऊपर। ऊपर वाला कहलाता है शूट सिस्टम, नीचे वाला कहलाता है रूट सिस्टम। द रूट, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रूट को। इन मेजोरिटी ऑफ डाइकॉटिलेडन प्लांट्स, सबसे पहले हम डाइकॉटिलेडन प्लांट्स की बात करते हैं। पहले हम डाइकॉट्स को समझते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर टू कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं वो डाइकॉटिलेडन्स कहलाते हैं। फिर हम थोड़ा इसके डेप्थ में जाते हैं कि कॉटिलेडन्स क्या होते हैं। तो जनरली आप कह सकते हैं सीड लीव्स, सीड्स की जो लीव्स होती हैं वो कॉटिलेडन्स कहलाती हैं, विच स्टोर फूड मटीरियल, जो अपने आप के अंदर फूड को स्टोर करके रखती हैं। तो इनके अंदर दो कॉटिलेडन्स होते हैं वो डाइकॉट्स कहलाएंगे। द डायरेक्ट एलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। अब ध्यान देने की बात ये है कि जो रेडिकल है, रेडिकल आगे जाके कन्वर्ट होता है रूट में, हमेशा याद रखिए। एम्ब्रियो के अंदर पाया जाता है रेडिकल, रेडिकल कन्वर्ट होता है रूट में। तो मैं कह रही हूँ कि ये रेडिकल है, तो रेडिकल से जो एक ब्रांच बनेगी डायरेक्टली, थोड़ा हम इसको ऊपर बनाते हैं, तो ये देखिए ये एक रेडिकल है, रेडिकल से जो ब्रांच बनेगी वो ब्रांच कहलाएगी, जो स्ट्रेट होगी सीधी होगी वो कहलाएगी प्राइमरी रूट। यानी ये कौन सी रूट है, प्राइमरी रूट। विच ग्रो इन साइड द सॉइल, ये सॉइल में आगे से आगे क्या करती जाएगी, ग्रो करती जाएगी। इट बियर लैटरल रूट्स, इसके ऊपर लैटरल रूट्स डेवलप होंगी। लैटरल का मतलब था साइड में, जैसे कि ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, तो ये लैटरल रूट्स हैं। सीवियर सेवरल ऑर्डर्स दैट इज रेफर टू अ सेकेंडरी रूट, ये सेवरल यानी बहुत सारी निकलेंगी इस तरीके से, और ये रूट्स क्या कहलाएंगी, सेकेंडरी रूट। नेक्स्ट टर्शरी एक्सेट्रा रूट्स, अगर इन सेकेंडरी से भी इस तरीके से और रूट्स निकलने लग जाएं तो ये रूट्स कहलाएंगी टर्शरी रूट्स। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। तो अब ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा, जो ये प्राइमरी रूट थी, रेडिकल से निकलने वाला जो मेन एक्सिस था रूट का, वो प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट की जो एसोसिएटिव हैं सेकेंडरी रूट्स, और सेकेंडरी रूट्स के साथ में टर्शरी रूट्स, ये सारी की सारी रूट्स आपस में मिलकर एक पर्टिकुलर रूट सिस्टम बनाती है, और वो रूट सिस्टम कहलाता है टैप रूट सिस्टम। यानी कि टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है, डायकॉटिलेडन्स में। इसमें रेडिकल्स जो है वो कन्वर्ट होती हैं प्राइमरी रूट में, आफ्टर दैट सेकेंडरी रूट्स, एंड आफ्टर दैट टर्शरी रूट्स, एंड द ग्रुप ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स इज नोन एज द टैप रूट सिस्टम। एज सीन इन मस्टर्ड प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें आपको ये एक नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि ये जो टैपरूट सिस्टम है उनका एग्जाम्पल दीजिए। अगर आपको ऑप्शन में डाइकॉटिलेडन प्लांट मिलते हैं तो आप उनको क्लिक कीजिए, या फिर डायरेक्टली एनसीईआरटी के थ्रू अगर आपको एग्जाम्पल मतलब आप उसमें देना चाहते हैं या उसमें पूछा गया है, तो आप मस्टर्ड पर क्लिक कीजिए कि टैपरूट सिस्टम जो है वो मस्टर्ड में आपको सरसों के पौधे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोनोकॉटिलेडन्स को। सबसे पहले हम देखते हैं मोनोकॉट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनके अंदर सिंगल कॉटिलेडन होता है वो कहलाते हैं मोनोकॉट्स, यानी मोनोकॉटिलेडन। द प्राइमरी रूट इज एब शॉर्ट लीव, अब क्या होगा इसमें कि रेडिकल से प्राइमरी रूट तो बनेगी, पर वो प्राइमरी रूट क्या होगी, शॉर्ट लीव होगी, थोड़े दिन के लिए बनेगी और फिर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। एंड रिप्लेस बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, दीज रूट्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। अब क्या होगा कि अगर ये प्राइमरी रूट सिर्फ शॉर्ट लीव है तो ये जो रूट स्टेम का बेस दिख रहा है आपको, इस बेस से ही बहुत सारी इस तरीके से ब्रांचेस निकल जाएंगी, और ये जो रूट है यहाँ पे जो आपको प्राइमरी रूट दिख रही है ये शॉर्ट लीव है, और ये थोड़े दिन के बाद में क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, और इस तरीके से इसके स्टेम के बेस से बहुत सारा ग्रुप निकल जाएगा रूट्स का, वो ग्रुप क्या कहलाएगा, फाइब्रस रूट सिस्टम। यानी कि मोनोकॉटिलेडन्स के अंदर जो रूट सिस्टम होता है वो होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, और वो आपको देखने को मिलेगा वीट प्लांट्स में, जितने भी मोनोकॉटिलेडन्स होते हैं उनके अंदर। नेक्स्ट जो कुछ प्लांट्स हैं, इन सम प्लांट्स लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बानियन ट्री, रूट्स अराइजेस फ्रॉम पार्ट द प्लांट अदर देन द रेडिकल। अभी मैंने आपको कहा था कि जनरली रूट्स जो होती हैं वो रेडिकल से डेवलप होती हैं, लेकिन तीन प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि ग्रास है, मॉन्स्टेरा है एंड बानियन ट्री है, इनके अंदर जो रूट्स हैं वो रेडिकल से डेवलप नहीं होकर और किसी चीज़ से बन जाती हैं, तब हम उन रूट्स को कहते हैं एडवेंटेशियस रूट्स। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम, अब हमें रूट के फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि रूट फंक्शन क्या करती हैं, तो ये पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रूट का जो पहला काम है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फर्स्ट पॉइंट, देन
एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, सेकंड पॉइंट प्रोवाइडिंग प्रॉपर एनकरेज, एनकरेज का मतलब होता है स्थिरता प्रदान करना, पौधे को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर करने के लिए, एनकरेज करने के लिए उसके अंदर रूट्स पाई जाती हैं, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR। 10th क्लास में आपने डिटेल स्टडी की है, 11th में भी हम 15 चैप्टर में इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। PGR 5 होते हैं, सबसे पहला होता है ऑक्सिन, देन जिब्रेलिन, देन साइटोकाइनिन, आफ्टर दैट ABA, एब्सेसिक एसिड एंड साइटोकिनिन। तो इस तरीके से पांच जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं वो भी रूट के थ्रू ही बनते हैं। या आपके फ्लावरिंग प्लांट शो किया हुआ है जिसमें फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, स्टेम, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स हैं, बर्ड्स हैं, नोड और इंटरनोड भी शो किए गए हैं। नेक्स्ट ये आपको डिफरेंट टाइप की यहाँ पे रूट्स दिखाई गई हैं। ये मैंने अभी तीन एग्जांपल दिए थे आपको, मॉन्स्टेरा एंड ग्रास एंड बानियन ट्री, उसमें ये एडवेंटिशियस रूट्स देखिए रेडिकल के अलावा कहीं से भी डेवलप हो रही हैं, रेडिकल के अलावा एक्सेप्ट द रेडिकल। नेक्स्ट ये फाइब्रस रूट्स मोनोकॉटिलेडंस के अंदर इस तरीके से स्टेम के बेस से, जस्ट स्टेम का बेस ले रही हैं। और ये थर्ड जो फर्स्ट जो है टैप रूट सिस्टम डायकॉट्स के अंदर, ये प्राइमरी रूट है, उसके बाद में सेकेंडरी और टर्शरी इस तरीके से ब्रांचेज है। तो ये तीनों आपके सामने प्रेजेंट हैं। जो टैप रूट है उसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, और जो फाइब्रस है उसका एग्जाम्पल है वीट, और जो एडवेंटिशियस है उसके तीन एग्जाम्पल हैं अकॉर्डिंग टू NCERT, मॉन्स्टेरा, बानियन ट्री एंड ग्रासेस। नेक्स्ट हम रीजन ऑफ रूट की बात कर रहे हैं कि रूट के रीजन कौन से होते हैं। द रूट इज कवर्ड एज द अपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, थिम्बल मीन कैप लाइक स्ट्रक्चर। तो रूट जो है वो अपने ऊपर एक थिम्बल यानी कि कैप लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहती है, जिसको कि हम रूट कैप कहते हैं, जो इसकी प्रोटेक्शन करेगा। तो रूट कैप का फंक्शन पूछा जाता है एक नंबर में, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट कीजिएगा कि जो रूट कैप है इट प्रोटेक्ट द टेंडर अपेक्स, ये रूट के अपेक्स यानी शीर्ष को प्रोटेक्ट करके रखता है एज इट मेक्स इट्स वे थ्रू द सॉइल, और जैसे जैसे रूट सॉइल में जाती है उस समय ये रूट कैप रूट की प्रोटेक्शन करेगा। अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ द मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। ध्यान दीजिए, इधर अगर हम रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर जाएं तो रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर जाते ही जो हमें एरिया मिलेगा वो एरिया कहलाएगा रीजन ऑफ द मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी। ये मेरिस्टम क्या होता है, जब हमने 9th में टिश्यूज देखे थे और हम 11th में भी 6th चैप्टर जो नेक्स्ट आने वाला है उसमें टिश्यूज की बात करेंगे, तो प्लांट जो टिश्यूज होते हैं वो मेरिस्टम जो उसमें टिश्यू होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थ्रू आउट द लाइफ वो डिविजन करता ही रहता है, इसीलिए प्लांट की लेंथ बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे मेरिस्टमेटिक का मतलब है सेल्स डिवाइड होंगी, और सेल्स डिवाइड होने के कारण यहाँ पर सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल एंड विद डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत छोटी छोटी होती हैं, थिन वॉल यानी सेलुलोज बहुत कम पाया जाता है, और प्रोटोप्लाज्म का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इनको न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चाहिए। दे डिवाइड रिपीटेडली, यहाँ पर चूंकि मेरिस्टम है इसलिए डिवीजन जो है वो रिपीटेडली यानी तेजी से करेंगी। द सेल्स प्रोवाइड प्रॉक्सिमल टू दीज रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब लंबाई में बढ़ना, लेंथ में इंक्रीज करना, एंड एनलार्जमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ, द रीजन इज कॉल्ड रीजन ऑफ द इलोंगेशन। डायग्राम में जैसे कि आपको वेलेंडस फूड हो रहा है, रीजन ऑफ मेरिस्टमेटिक एक्टिविटी के ऊपर जो एरिया है वो कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसमें जो सेल्स हैं वो लेंथ में इंक्रीज करती हैं, और लेंथ में इंक्रीज करने के लिए हम इस रीजन को क्या कहते हैं, रीजन ऑफ द इलोंगेशन। द सेल्स ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मच्योर, ये जो सेल्स हैं धीरे धीरे डिफरेंशिएट होती हैं, पर्टिकुलर वर्क करने लगती हैं, मैच्योर होती हैं, इसलिए इसके पास वाले रीजन को हम कहते हैं रीजन ऑफ द मैच्योरेशन। ये देखिए थर्ड रीजन आपको दिख रहा है रीजन ऑफ द मैच्योरेशन, इसमें सेल्स जो हैं डिफरेंशिएट होती हैं, पर्टिकुलर कोई फंक्शन करना स्टार्ट करती हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन डेलीकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ जो आपको रीजन ऑफ मैच्योरेशन शो हो रहा है उसमें से बहुत पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये रूट हेयर्स होते हैं, और जनरली एक कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है कि जो रूट हेयर होते हैं ये हमेशा आपको यूनिसेलुलर मिलेंगे, एक कोशिके मिलेंगे, तो यूनिसेलुलर को अंडरलाइन कीजिएगा कि रूट हेयर्स कैसे होते हैं यूनिसेलुलर। ये जो रूट हेयर्स हैं इनका एक फंक्शन है, और ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, जितना भी एब्जॉर्प्शन होना है रूट के अंदर तो वो रूट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन करने का काम है वो रूट हेयर्स करेंगे। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है, आपके NCERT बुक भी आपके सामने होगी, तो आप उसमें से अपने डायग्राम को जो है फॉलो कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद में मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स की बात करते हैं। रूट इन सम प्लांट चेंजेस देयर शेप एंड स्ट्रक्चर, जो रूट्स होती हैं वो चेंज कर लेती हैं अपने शेप और स्ट्रक्चर को, मॉडिफाई हो जाती हैं पर्टिकुलर फंक्शन के लिए अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सपोज दैट अगर हम किसी रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, या रेजिडेंशियल एरिया छोड़िए, हमारा मेन फंक्शन था स्टूडेंट लाइफ का एजुकेशन लेना, स्टडी करना,
बट इनके कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज आने के कारण हमें एजुकेशन के साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ रहा है। तो हमने एजुकेशन और पार्ट टाइम जॉब को क्या किया, एक साथ में एडजस्ट किया और हम पढ़ाई भी कर रहे हैं जॉब भी कर रहे हैं। मतलब काम तो था पढ़ाई करना बट अपने आप को मोल्ड करके हम क्या कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, इट मीन हम मॉडिफाई हो गए हैं। वैसे ही रूट्स का फंक्शन क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, बट वो इस काम के साथ साथ कुछ और भी काम करने लग जाती है तो वो कहलाते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। तो वो क्या क्या मॉडिफिकेशंस होते हैं आइए बात करते हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई होती हैं, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होती हैं और रेस्पिरेशन के लिए होती हैं। टैप रूट्स की बात करें, टैप रूट जो है वो तीन में है, कैरेट की है, टर्निप की है। ध्यान रखिए दो में टैप रूट बताए हैं, कैरेट और टर्निप। टर्निप का मतलब होता है शलजम। तो कैरेट और टर्निप के अंदर जो टैप रूट्स हैं उसके अलावा स्वीट पटेटो जो शकरकंद होती है उसकी जो एडवेंटेजियस रूट्स हैं वो गेट स्वोलन, फूल जाती हैं एंड स्टोर द फूड, वो फूड को स्टोर करने लग जाती हैं। ध्यान रखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 11th क्लास में कॉम्पिटिशन्स में कि जो एडवेंटेजियस जो फूड स्टोरिंग का वर्क है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो टैप रूट तो होंगी आपकी किस किस की, दो की, एक तो होगी टर्निप की और एक होगी कैरेट की, और एक एडवेंटेजियस रूट्स जो होंगी वो होंगी आपके स्वीट पटेटो की, और ये दोनों ही रूट्स जो हैं फूड को स्टोर करने के लिए मॉडिफाइड होंगी। कैन यू गिव सम मोर एंड सच एग्जांपल्स, रेडिश है, कैरेट है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किस में जाएंगे आपके, ये जाएंगे आपके इसमें स्टोरेज ऑफ फूड में। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बानियन ट्री, आपने बानियन ट्री देखा होगा, बरगद का सबने ट्री देखा होगा, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है। बरगद में इस तरीके से जड़ें नीचे लटकी हुई होती हैं और आपको जनरली ये गाँव में सीन देखने को मिल ही जाता है। तो ये जो रूट्स जो लटक रही हैं वो कहलाती हैं प्रॉप रूट्स, इस तरीके से प्रॉप रूट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, बानियन में पाई जाती हैं। सिमिलरली तो ये प्रॉप रूट्स जो हैं ये क्या करती हैं, हैंगिंग स्ट्रक्चर हैं और मॉडिफाई हो चुकी हैं सपोर्ट के लिए, बानियन ट्री को क्या देती हैं, सपोर्ट देती हैं। इसी तरीके से स्टेम ऑफ मैज है, मक्के का जो स्टेम है, एंड शुगर केन है, वो भी सपोर्टिंग रूट्स जो हैं बाहर आ जाती हैं लोअर नोड्स से, उनको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स, यानी कि मेज के अंदर और शुगर केन के अंदर आपको कौन सी रूट्स मिलेंगी, स्टिल्ट रूट्स। इन सम प्लांट्स सच एज द राइजोफोरा, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, एक राइजोफोरा प्लांट है जो मार्शी और स्वाम्पी एरियाज में डेवलप होता है, मीन दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। उसमें मैनी रूट्स कम आउट फ्रॉम द ग्राउंड, आपको पता होना चाहिए कि रूट्स हमेशा ज़मीन में जाती हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती हैं, बट ये इसका अपवाद है, इसमें रूट नीचे से ऊपर आती हैं, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होती हैं और वो रूट्स कहलाती हैं न्यू मेटोफोर्स, इसमें पी साइलेंट रहेगा, न्यू मेटोफोर्स, और ये करेंगी हेल्प करेंगी गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। एक नंबर में, दो नंबर में, ये जनरली बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द न्यू मेटोफोर, आप लिखेंगे न्यू मेटोफोर हेल्प्स इन द गेट ऑफ द ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ये आपको अलग अलग प्रकार के रूट मॉडिफिकेशन दिखा रखे हैं, ये देखिए टर्निप है, कैरेट है, टैप रूट्स हैं, स्वीट पटेटो के एडवेंटेजियस रूट्स हैं, ये न्यूमेटोफोर आपको वर्टिकली ऊपर आती हुई दिखाई गई हैं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक शो हो रही हैं, इस तरीके से जो कि फूड स्टोरेज के लिए ही है, इस तरीके से रूट मॉडिफिकेशन है। अब हम आते हैं स्टेम के ऊपर, हमारा जो टॉपिक है न्यू वो है स्टेम। व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश स्टेम फ्रॉम रूट, रूट को स्टेम से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा करैक्टर है, प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, याद रखिए प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, इट इज़ अ बेसिक फीचर विच डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट रूट एंड प्लांट स्टेम। आप जैसे ही स्टेम को हाथ में लेंगे तो आपको स्टेम में इस तरीके की आकृतियाँ दिखने लग जाएंगी। ये जो आकृतियाँ हैं, ये जो शेप्स हैं, तो ये डार्क जो हमने किया है वो है नोड, यहाँ पे फिर ये डार्क किया है, फिर ये नोड, और फिर ये डार्क किया है, ये नोड। अब देखिए दो नोड के बीच का ये जो गैप है इसको हम कहेंगे इंटरनोड। तो अगर हम कोई भी स्टेम हाथ में लेते हैं तो उसमें वो पोर्शन जहाँ से लीफ डेवलप होती हैं वो पोर्शन कहलाता है नोड, और दो नोड के बीच का जो गैप है वो कहलाता है इंटरनोड। तो किसी भी स्टेम में नोड और इंटरनोड का पाया जाना आम है, हम नोड और इंटरनोड के बेस पे क्या करते हैं, किसी भी रूट को स्टेम से अलग कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट आगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेस बियरिंग ब्रांचेज लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट, स्टेम के ऊपर आपको ब्रांचेज मिलेंगी, लीव्स मिलेंगी, फ्लावर और फ्रूट्स मिलेंगे। इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल, ये जो एम्ब्रियो का प्लूम्यूल पार्ट है वहाँ से डेवलप होगा, एंड जर्मिनेटिंग सीड्स, और जर्मिनेट करेगा सीड्स में। द स्टेम बियर्स नोड एंड इंटरनोड, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया।
नेक्स्ट द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बॉर्न, ऐसी ऐसी लोकेशन जहाँ पे लीव्स बनती हैं वो कहलाता है नोड, और नोड के बीच का जो पोर्शन है वो कहलाता है इंटरनोड। वेल सीन टू नोड्स द स्टेम वेयर बर्ड्स, स्टेम के ऊपर बर्ड्स हैं विच में भी टर्मिनल और एक्सिलरी, ये नीचे हो सकती हैं या फिर शीर्ष पे हो सकती हैं। स्टेम जनरली ग्रीन होता है यंग कंडीशन में, बट जैसे जैसे थोड़ी इसकी एज बढ़ती है वुडी होकर डार्क ब्राउन हो जाता है। मेन फंक्शन जो स्टेम का है वो है स्प्रेडिंग ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, यानी ब्रांचेस को फैलाना, बियर्स को लेना, मतलब जो लीव्स हैं उनको बियर करना, फ्लावर एंड फ्रूट्स को अपने ऊपर बियर करना, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। इट कंडक्ट वाटर मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, जितने भी फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स हैं उनको ये कंडक्ट करता है, परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टोरेज फूड, लेकिन इसके अलावा भी ये मॉडिफाई होकर क्या करने लग जाता है, स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करता है। तो दिस इज नोन एज द स्टेम मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स की बात करें तो द स्टेम मे नॉट ऑलवेज बी टिपिकली लाइक व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू बी, दे आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटेटो, ध्यान दीजिए किस किस के अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ पोटेटो के, जिंजर के और टर्मरिक के, जिंजर यानी अदरक, टर्मरिक यानी हल्दी, जमीकंद आपका जमीकंद ही होता है, कोलोकेशिया खाने का ही एक मतलब जो है पादप है जिसको कि हम कोलोकेशिया कहते हैं, आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड इन देम, इनका जो स्टेम कन्वर्ट हुआ वो फूड के लिए हुआ। दे आल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, इंपॉर्टेंट कीजिएगा, पेरिनेशन के ऊपर बार बार 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं 11th क्लास में, तो पेरिनेशन अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डू मीन बाय पेरिनेशन। याद रखिए स्थितियाँ दो प्रकार की होती हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल के लिए हमारे पास में टर्म है फेवरेबल, और प्रतिकूल के लिए है अनफेवरेबल। किसी प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशंस में बचने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स चाहिए जिनकी वजह से वो जिंदा रह सके, और उसके बाद में जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आए वो ग्रोथ कर सके। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में जो ये आपके मतलब अनफेवरेबल कंडीशंस में जो ये आपके होते हैं क्या कहते हैं इनको स्टेम वगैरह, ये उस प्लांट को हेल्प करते हैं ताकि वो प्लांट क्या कर पाए, पर्टिकुलर उस अनफेवरेबल पीरियड को स्पेंड कर पाए। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है पेरिनेशन, और ये जो ऑर्गन है वो ऑर्गन कहलाते हैं पेरिनेटिंग ऑर्गन। नेक्स्ट, ये जो पेरिनेटिंग ऑर्गन्स हैं ये टाइड ओवर करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस को। स्टेम टेंड्रिल्स विच डेवलप फ्रॉम the axillary bud. Stem tendrils जो हैं axillary bud से बनते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं, स्पाइरल होते हैं, coiled, और हेल्प करते हैं प्लांट को क्लाइंब करने में। तो याद रखिए जो tendrils हैं वो आपको हेल्प करेंगे, उस प्लांट का हेल्प करेंगे क्लाइंबिंग में, सच एज द गाउट्स, जितने भी कुकुम्बर हैं, पॉम्पकिन है, कुकुम्बर यानी खीरा, पम्पकिन यानी कद्दू, वाटरमेलन जितने भी हैं, तो वो गाउट्स कहलाते हैं, और उनके अंदर जो ये स्टेम टेंड्रिल है क्लाइंबिंग में हेल्प करेगा। एंड ग्रेप वाइंस, जो भी अंगूर की लताएँ हैं। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम में आल्सो गेट मॉडिफाइड इन टू वुडी स्टेट एंड पॉइंटेड थॉर्न, ये जो एक्सिलरी बड्स हैं ये कांटों में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। थॉर्न फाउंड इन मैनी प्लांट्स सच एज द सिट्रस, बोगनविलिया, नींबू, बोगनविलिया, ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर इनकी एक्सिलरी बड स्टेम बनाती है प्रोटेक्शन के लिए। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, जितने भी चरने वाले एनिमल होते हैं उनसे ही उनको बचाती हैं। सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इन टू फ्लैटेंड, एरिड का मतलब सूखे क्षेत्र में, जो भी सूखे क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट्स हैं उनका जो स्टेम है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, जैसे कि ओपुंशिया, ओपुंशिया का मीन कैक्टस, जो नागफनी होती है वो ओपुंशिया कहलाती है, और या फिर ये जो स्टेम है वो फ्लैशी और सिलेंड्रिकल हो जाता है, जैसे कि किसमें हो गया, यूफोर्बिया में। दे कंटेन क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जा सकता है, और क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ये फोटोसिंथेसिस भी कर लेते हैं। देखिए इसमें आपको वेरियस टाइप के जो स्टेम मॉडिफिकेशन वो शो किए गए हैं, जिंदर है, जमीकंद है, पोटैटो है, इनमें तो फूड स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट उसके बाद में जो सपोर्ट के लिए टेंड्रल्स शो किए गए हैं, प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न, एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए जो है इसके अलग अलग पोर्शंस आपको इसमें शो किए गए हैं। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट्स सच एज द ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ग्रास और जो स्ट्रॉबेरी है उसके जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं वो नए नए हैबिटेट्स में स्प्रेड हो जाते हैं। निचेज, NICHES, निचेज का मतलब था हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब रहने की जगह या लोकेशंस, अलग अलग लोकेशंस पे फैल जाते हैं। एंड व्हेन ओल्डर पार्ट डाई न्यू प्लांट आर फॉर्म, और नए निचेज के ऊपर सेट होकर जैसे ही ओल्ड प्लांट की डेथ होती है तो न्यू प्लांट वहाँ पर डेवलप हो जाता है।
इन प्लांट्स लाइक मिंट एंड जैस्मिन, जो मिंट है यानी पुदीना और जैस्मिन जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, अ सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइजेज, उसकी लेटरल ब्रांच यानी साइड से एक ब्रांच बाहर निकलती है फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली ऊपर बढ़ती है, हवा में ही ग्रोथ करती है कुछ समय के लिए और वहाँ से आर्क बनाती है, इस तरीके से एक चाप बनाती है और आर्क बनाकर डाउन नीचे आ जाती है और सॉइल के अंदर एंटर कर जाती है। अ लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड्स एंड ईच नोड बियरिंग अ रोजेट ऑफ लीव्स, और इसके नोड्स के ऊपर लीव्स का एक गुच्छा बन जाता है, रोजेट बन जाता है, एंड फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, और ऐसा आपको एक्वेटिक प्लांट्स में दिखता है और उन एक्वेटिक प्लांट्स का नाम है पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। इसको आप ट्वेल्थ में अच्छी तरीके से देखेंगे आइकॉर्निया को, जिसको कि हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, इसके बारे में पूरा चैप्टर वहाँ पे है ट्वेल्थ में। तो नेक्स्ट ये जो पिस्टिया और आइकॉर्निया है इसमें भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। इन बनाना पाइनएप्पल एंड क्राइसेंथेमम, ये तीनों प्लांट हैं, बनाना पाइनएप्पल एक फ्रूट्स का टाइप है और क्राइसेंथेमम ऑर्नामेंटल प्लांट है। द लेटरल ब्रांच ओरिजिनेटेड फ्रॉम बेसल, जो इसकी लेटरल ब्रांच है वो बेस से डेवलप होती हैं, एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम ग्रो हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली का मतलब लेफ्ट टू राइट ग्रोथ करती हैं, बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे जाती हैं, एंड देन कम आउट ऑब्लिक अपवर्ड, और ऑब्लिकली ऊपर की ओर निकल जाती हैं, गिविंग राइज टू लीफी शूट्स, और उनसे जो लीफी शूट है वो डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्लांट स्टेम तक का पोर्शन था। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं लीफ की, लीफ क्या होती है और किस तरीके से मॉडिफाई होती है। लीफ इज लैटरल साइड में डेवलप होती है, जनरली फ्लैटन फ्लैटन होती है, बॉर्न ऑन स्टेम, स्टेम पर डेवलप होती है, इट डेवलप एट नोड, नोड पर डेवलप होगी, बियर बर्ड इन इट एक्सिल, इसके एक्सिल में एक बर्ड होगी जिसको हम एक्सिलरी बर्ड कहेंगे, और वो फाइनली जाके ब्रांच में कन्वर्ट होगी। लीव्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम, और ये जो लीव्स है वो शूट एपिकल मेरिस्टम से डेवलप होगी, एंड आर अरेंज इन एक्रोपीटल ऑर्डर। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब होता है जो ओल्डर लीव्स हैं वो बॉटम की तरफ पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये ओल्डर लीव्स हैं, और जो न्यू लीव्स हैं वो अपेक्स की तरफ पाई जाती हैं। तो ये जो ऑर्डर है ये कहलाता है एक्रोपीटल ऑर्डर। याद रखिए, पुरानी लीव्स कहाँ पर होती हैं, बेस पर, और न्यू लीव्स कहाँ पर होती हैं, अपेक्स पर। ये स्थिति क्या कहलाती है, एक्रोपीटल ऑर्डर। नेक्स्ट उसके बाद में हम देख रहे हैं एक्रोपीटल ऑर्डर के बाद, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से लीव्स जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती हैं जिसके की वजह से फोटोसिंथेसिस इजीली होता है। अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स, एक लीफ के अंदर जो हैं बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं, लीव बेस, पेटियोल एंड लेमिना। तीन जो पार्ट है, पहला है लीव बेस, पेटियोल एंड लेमिना। द लीफ इज अटैच्ड टू स्टेम बाय लीव बेस एंड बियर टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। अब ये डायग्राम आपको दिखा रखा है, इसमें हमें लीफ के तीन पार्ट दिख रहे हैं, ये लीफ बेस है, एंड ये पेटियोल है, और ये लेमिना है। यहाँ पे देखिए एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बीच में प्रेजेंट है, और ये लीफ लाइक प्रेजेंट स्ट्रक्चर कहलाती है स्टिप्यूल्स। इन मोनोकॉटिलेडन द लीफ बेस एक्सपांड इनटू शीट कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। अब ये जो लीव बेस है मोनोकॉटिलेडन्स के अंदर, ये पूरा स्टेम को कवर कर लेता है, जैसे कि आप बाजरा में और जो गेहूं है, मक्का है, उनके अंदर इस चीज़ को जनरली शो कर देख सकते हैं। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये जो लेग्यूम्स होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स या गांठें पाई जाती हैं, जैसे कि चने में, मटर में या दालों में, वो प्लांट्स कहलाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स। उनके अंदर लीफ बेस जो है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, और जब इनका लीफ बेस फूल जाता है तो वो कंडीशन कहलाती है पल्विनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाता है व्हाट डू यू मीन बाय पल्विनस। तो पल्विनस में आपको लिखना है कि लीफ बेस मे गेट स्वॉलन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। द पेटियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड, देयर बाय कूलिंग द लीव्स एंड ब्रिंगिंग टू फ्रेश एयर टू लीव सरफेस। ये पेट्रोल जो है ये लीव बेस को बैलेंस करता है और ये हिलता रहता है, होल्ड करता है, ताकि जो लेमिना है फ्रेश एयर में फ्लटर कर रहे हिले और इसको रेस्पिरेशन के लिए फ्रेश एयर मिलती रहे। द लेमिना और लीव ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ द लीव विद वेन एंड वेनलेट। यहाँ पे हम वेन और वेनलेट की बात करते हैं, तो देखिए वेन और वेनलेट क्या होती हैं। मैं ये कह रही हूँ कि ये लीफ है, तो ये जो पोर्शन है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लीफ बेस।
ये पोर्शन कहलाता है पेटियोल और ये पोर्शन कहलाता है लेमिना। तो इसमें देखिए ये जो पोर्शन है ये कहलाता है मिडरिब और मिडरिब से निकलती हैं वेन्स, ये वेन्स हैं और इससे भी जो पार्ट्स निकलते हैं वो कहलाते हैं वेनलेट। तो इस तरीके से एक लीफ में वेन्स और वेनलेट का एक नेटवर्क पाया जाता है जिससे उस लेमिना को स्टेबल रहने में या उसके प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। देर इज यूजुअली मिडिल प्रोमिनेंट वेन विच इज़ नोन एज मिडरिब। ये मैंने अभी आपको समझाई मिडरिब क्या होती है। वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफलेट, वेन और वेन के कारण उसको कठोरता मिलती है, रिजिडिटी का मतलब कठोरता, एंड एक्ट एज चैनल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल एंड फूड मटीरियल, इनमें से होकर वाटर मिनरल फूड मटीरियल ट्रांसफर करते हैं। द शेप मार्जिन अपेक्स सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इनसीजन ऑफ लेमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव। इनसीजन का मतलब कटाव, जो शेप है मार्जिन है अपेक्स यानी शीर्ष भाग है सरफेस है और इनसीजन यानी जो कटाव है उसके बेस पे जो है लेमिना अलग अलग प्रकार का होता है अलग अलग लीव्स में। तो हम वेनेशंस के ऊपर आते हैं। वेनेशन क्या होता है? सबसे पहले वेनेशन की डेफिनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और वेनेशन की जो डेफिनेशन है वो है द अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड इट्स वेनलेट इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वेनेशन। लीफ में वेन और वेन किस तरीके से पाई जाती हैं, तो कौन सा अरेंजमेंट बनाती हैं वो अरेंजमेंट कहलाता है वेनेशन और हिंदी में इसको कहेंगे शिराविन्यास। किस तरीके से उनका शिराविन्यास है, किस तरीके से वेनेशन है। वेन द वेनलेट फॉर्म नेटवर्क द वेनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट। ये देखिए फर्स्ट आपको डाइकोटिलेडन प्लांट की लीफ दिखा रखी है, इसमें ये मिडरिब, मिडरिब के बाद में ये आपकी वेन्स और उससे निकली है वेनलेट्स। तो एक तरीके से ये जाल जैसा स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो वेनेशन है वो कहलाएगा रेटिकुलेट वेनेशन, जो कि आपको डाइकोट्स में मिलता है नेटवर्क लाइक। When the veins run parallel to each other within the lamina, the venation is termed parallel. और इसमें देखिए midrib के parallel ये सारी veins ऊपर ऊपर जा रही हैं तो ये venation कहलाएगा parallel. तो ये आपको मिलेगा monocotyledons में। Leaves of dicotyledon plant generally possess reticulate venation, while parallel venation is the characteristic feature of the most monocotyledons. Next उसके बाद में हमारा जो topic है वो है types of leaves, की leaves कितने प्रकार की होती हैं। A leaf is said to be simple एंड कंपाउंड। लीव टू टाइप की हो सकती है, लीव सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है। तो सिंपल कब होगी, कंपाउंड कब होगी, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ए लीफ इज सेड टू बी सिंपल व्हेन इट्स लेमिना एंटायर और व्हेन इंसिसाइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब। ध्यान से देखिए, ये मैंने कहा कि ये एक लीफ है, इसके अंदर आपको कहीं पर कटाव नहीं दिख रहे तो भी ये सिंपल है। और अगर मैंने कहा कि ये भी एक लीफ है, यहाँ पर मैंने इंसीजंस बनाए हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये इंसीजंस इसके मिडरिब तक नहीं पहुँच रहे, तो ये भी क्या है, सिंपल लीफ है। तो यानी तो उसके अंदर इंसीजन होने ही नहीं चाहिए, और अगर इंसीजन हो, कटाव हो, तो वो मिडरिब तक ना पहुँचे, ऐसी लीव क्या कहलाएंगी, सिंपल लीव्स कहलाएंगी। व्हेन द इंसीजन ऑफ लेमिना रीचेज अप टू द मिडरिब ब्रेकिंग इट इन टू अ नंबर ऑफ लीफलेट द लीफ इज कॉल्ड कंपाउंड। अब देखिए कंपाउंड लीफ का हम डायग्राम देखते हैं, ये हमारी लीफ और ये इंसीजन, और इस तरीके से हमने ये जब लीफ बनाई तो ये इंसीजंस जो हैं ये इंसीजंस कहाँ तक पहुँच गए, मिडरिब तक पहुँच गए। और इस तरीके से मिडरिब तक पहुँचने के कारण ये जो लीफ थी ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गई, छोटे छोटे इसके पार्ट्स बन गए, और जब ये पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है तो ये कहलाती है कंपाउंड लीफ। ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ कंपाउंड लीफ। अब ये जो एक चाहे कंपाउंड लीफ हो चाहे सिंपल लीफ हो, उनके बीच में एक्सिल के बीच में कहीं ना कहीं पे आपको एक बड प्रेजेंट मिलती है। द कंपाउंड लीव में भी टू टाइप कंपाउंड लीव जो है आगे जाके दो प्रकार की हो जाती हैं, पिनेटली कंपाउंड लीव एंड पालमेटली कंपाउंड लीव। तो जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं वो इस तरीके से आपको शो होंगी और पालमेटली आपको हाथ की जो उंगलियां हैं, पंजा जैसा आपका होता है, हथेली जो होती है, आपको उस तरीके की शेप की दिखाई देंगी। पिनेटली कंपाउंड लीव्स में डायरेक्टली आपको जो है जो उसका एग्जांपल पूछा जाता है तो वो उसका नीम हो जाता है, इंपॉर्टेंट कीजिएगा। एंड पिनेटली कंपाउंड लीव पर नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट इन कॉमन एक्सिस रैकिस। ये कॉमन आपको एक्सिस दिख रहा है, इसको हम कहेंगे रैकिस, और रैकिस के ऊपर आपको कितने सारे कॉमन छोटे छोटे लीफलेट्स दिखाई दे रहे हैं, ऐसी स्थिति आपको नीम में मिलती है, इसीलिए कहलाता है पिनेटली कंपाउंड लीव्स।
नेक्स्ट आपको जो सिचुएशन है वो मिलेगी सिल्क कॉटन में, और सिल्क कॉटन में इस तरीके की सिचुएशन आपके सामने आएगी। तो इसमें क्या होता है कि द लीफलेट्स आर अटैच एट द कॉमन पॉइंट, जो लीफलेट्स हैं वो कॉमन पॉइंट के ऊपर अटैच हो गए इस तरीके से, और ये जो स्ट्रक्चर है वो पाम शेप की हो गई, और इसको हमने कहा पाल्मेट्री कंपाउंड लीव्स, जो कि आपको सिल्क कॉटन में मिलेगी। नेक्स्ट हम आप बात करते हैं फाइलोटैक्सी की, कि फाइलोटैक्सी क्या होती है। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। पैटर्न अरेंजमेंट देखेंगे, लीफ किस तरीके से स्टेम के ऊपर अटैच है, तो वो किस तरीके की जो अटैचमेंट है उसको हम फाइलोटैक्सी कहेंगे। तीन प्रकार की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और रूल्ड। अल्टरनेट में क्या होगा, पहला डायग्राम देखिए, चाइना रोज, इसमें ये इस तरीके से एक्सिस, एक लीफ इसके इस साइड में लेफ्ट साइड में, और एक जो है सॉरी अल्टरनेट का मतलब है, अल्टरनेट में क्या होगा, एक लीफ जो है लेफ्ट राइट में है थोड़ा सा नीचे, और दूसरी जो राइट साइड में है थोड़ा ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर और फिर थोड़ा नीचे, इस तरीके से अल्टरनेट चलेगा। तो ये आपको चाइना रोज में दिखता है, थोड़ा पढ़ के देखते हैं इसको। इन अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड, ईच नोड पे आपको एक ही लीफ मिलेगी अल्टरनेट मैनर में मिलेगी, जैसे कि आपको चाइना रोज में मिलता है। जबकि चाइना रोज के साथ साथ में ये सिचुएशन आपको मस्टर्ड और सनफ्लावर में भी देखने को मिल सकती है। अपोजिट में अ पेयर ऑफ लीव्स अराइजेस ईच नोड, ये देखिए हर नोड के ऊपर आपको एक पेयर मिलेगा लीव्स का, एंड इन लाई अपोजिट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के अपोजिट प्रेजेंट होंगे, जैसा कि आपको कैलोट्रॉपिक में गुआवा प्लांट से मिलता है। एंड इन मोर देन टू लीव्स अराइजेस द नोड, एक नोड से अगर दो से ज़्यादा लीव्स निकल जाएं तो वो सिचुएशन कहलाएगी रोल कंडीशन, चक्राकार कंडीशन, इसलिए इसको बोलेंगे रोल्ड। और ये कंडीशन आपको मिलेगी एल्स्टोनिया में, एल्स्टोनिया एक ऑर्नामेंटल प्लांट होता है, कैलोट्रॉपिक यानी आँख, जो कि पॉइजन थोड़ा सा उसमें लेटेक्स वगैरह ज़्यादा होते हैं और उसके अंदर जो मेडिसिनल पर्पज़ से काम में लिया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद में जो अभी नाम लिया गुआवा यानी कि आपके अमरूद। तो इस तरीके से तीन प्रकार की फाइलोटैक्सी है, पहला है आपका अल्टरनेट, दूसरा है अपोजिट, और थर्ड है एल्स्टोनिया रोल्ड। नेक्स्ट उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स की बात करते हैं। लीव्स जो है ऑफन मॉडिफाई करती हैं फंक्शन अदर देन द फोटोसिंथेसिस, मेन फंक्शन तो होता है इसका फोटोसिंथेसिस करना, और फोटोसिंथेसिस के जो बाद की बातें हैं उसके अलावा ये भी मॉडिफाई हो जाती हैं। दे आर कन्वर्टेड इन टू टेंड्रिल, वो टेंड्रिल में कन्वर्ट होती है क्लाइंबिंग के लिए, और वो स्पाइंस में कन्वर्ट होती है डिफेंस के लिए, जैसे कि टेंड्रिल तो इसमें बन गए पीज में, और डिफेंस के लिए कैक्टाई में कन्वर्ट हुई, कैक्टस में कन्वर्ट हुई। द फ्लैश लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक, जो प्याज और जो मतलब लहसुन की जो पत्तियां हैं वो फूड को स्टोर करती हैं। आस्ट्रेलियन नकेशिया जो प्लांट्स है उसकी जो लीव्स हैं वो भी स्मॉल और शॉर्ट लीव होती हैं, और जो पेटियोल है कुछ प्लांट्स के वो बहुत बड़े एक्सपांड हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, फूड को सिंथेसिस करते हैं। लीव्स ऑफ सम इंसेक्टिवोरस प्लांट, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि पीचर प्लांट है, वीनस फ्लाईट्रैप है, तो वो जो प्लांट्स हैं वो भी मॉडिफिकेशन है किनका, लीव्स का। नेक्स्ट ये डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंट किया गया है, पीज के टेंड्रिल जो कि क्लाइंबिंग में हेल्प करेंगे, कैक्टस के स्पाइन जो कि डिफेंस में हेल्प करेंगे, एंड ऑनियन की जो फ्लैश लीव्स हैं जो कि इनमें फूड स्टोर हुआ है, तो ये आपको डायग्रामेटिकली इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। इन्फ्लोरेसेंस को देखते हैं, इन्फ्लोरेसेंस क्या होते हैं, फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। एक नंबर में अगर आपको पूछा जाए एग्जैक्ट डेफिनेशन व्हाट इज द फ्लावर, देन यू राइट दैट ए फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। ए फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है, वेर इन द शूट एपिकल मेरिस्टम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टम, जिसमें कि शूट एपिकल मेरिस्टम कन्वर्ट होता है फ्लोरल मेरिस्टम में। इंटरनोड्स डू नॉट एलॉन्गेट, इंटरनोड बहुत बड़ी नहीं होती, और एक्सिस जो है वो बहुत कंडेंस हो जाती है, पास पास में आ जाती है। द अपेक्स प्रोड्यूसेस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, अपेक्स में बहुत सारे फ्लावर्स लाइक अपेंडेजेस आ जाते हैं। सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स व्हेन अ शूट टिप ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी, जब एक शूट टिप एक फ्लावर में कन्वर्ट होता है तो वो अकेला होता है, सॉलिटरी का मतलब सिंगल होता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, याद कीजिए ये बार बार में आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स जो है किसके ऊपर, फ्लावर एक्सिस के ऊपर, वो कहलाएगा इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम विन्यास। तो इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो डिपेंडिंग अपॉन द अपेक्स गेट्स डेवलप इन टू अ फ्लावर और कंटिन्यू टू ग्रो, अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो अपेक्स से जो शीर्ष भाग है वो कंटिन्यू ग्रोथ करेगा या उसके ऊपर एक फ्लावर बन जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इस आधार पर ये इन्फ्लोरेसेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला इन्फ्लोरेसेंस होता है रेसेमोस, दूसरा होता है साइमोस। याद रखिए पहला होता है रेसेमोस, दूसरा होता है साइमोस। पहले हम रेसेमोस को देखते हैं, रेसेमोस में क्या होगा, इन रेसेमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, मेन एक्सिस क्या करती रहती है, कंटिन्यू करती रहती है। इस तरीके से ये एक एक्सिस है, इसकी ये लेटरल एक्सिस है,
तो जो फ्लावर डेवलप होंगे वो लेटरल एक्सिस पे डेवलप होंगे, मेन एक्सिस पे नहीं होंगे, इसलिए मेन एक्सिस लगातार लाइफ टाइम क्या करती रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी। अगर इस मेन एक्सिस पे एक फ्लावर डेवलप हो जाए तो इसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वो कहलाएगा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इन साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट इनटू फ्लावर, मेन एक्सिस पर फ्लावर बन गया, हेंस इज लिमिटेड इन ग्रोथ, इसलिए इसकी ग्रोथ लिमिटेड हो गई। और फ्लावर जो है वो बेसिपिटल ऑर्डर में, बेसिपिटल ऑर्डर का मतलब जो न्यू वन होंगे वो बेस पर बनेंगे और जो ओल्ड वन होंगे वो अपर पोजिशन पर बनेंगे। और एक्रोपिटल जो सक्सेशन होता है वो मैंने पहले ही बता दिया, न्यू फ्लावर्स कहाँ पर बनेंगे, अपेक्स पर बनेंगे, और पुराने कहाँ पर रहेंगे, बेस पर रहेंगे। तो अब इस तरीके से ये प्रोसेस है इसमें इन्फ्लोरेसेंस की। नेक्स्ट जो हम आगे जो एक टॉपिक लेने वाले हैं वो है फ्लावर का। फ्लावर का जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज का जो वीडियो है वो इन्फ्लोरेसेंस तक ही है, बहुत ज़्यादा मैटर हो गया है, इसको आप रीड आउट करेंगे समझेंगे तब तक काफ़ी टाइम लगेगा। इसके जो भी आपको कोई मतलब कंसेप्ट क्लियर ना हुए हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसका बेनिफिट मिल सके। एनसीईआरटी के कंसेप्ट क्लियर करना, 11th का बेस बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आगे के कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो ये 11th का जो कोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल से ज़्यादा जुड़े रहिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।